हेलो, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक गोयल आप सबका स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 3 जो हमारी यूनिट चल रही है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। आज का लेक्चर क्या रहेगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक ब्रीफ ओवरव्यू लेकर चलता हूँ जो हमने पिछले 2 या 3 क्लासेस में डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया था जी, जिसमें आपके सिलेबस का ओवरव्यू हम लोगों ने लिया था, ठीक। उसके बाद हमने यूनिट 1 स्टार्ट की जी, जो हमारे स्टार्ट करने का सबसे बेसिक कंसेप्ट था। जहाँ से हमने हमारी यूनिट को स्टार्ट किया, सबसे पहले हम लोगों ने बोला कि हम लोग हैं जो हम जो लोग जितने भी लोग इस धरती पे हैं, एवरी पर्सन इज बिजी इन डूइंग समथिंग। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है। आप एज ए स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो, अगर कोई डॉक्टर है वो अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, जो सीए है वो अपने फाइनेंस और अकाउंटिंग का काम कर रहा है जी, अगर कोई टीचर है वो आप लोगों को पढ़ा रहा है, ठीक है। इसके बेसिस पे हमने जितनी भी एक्टिविटीज है, एक ह्यूमन जितनी एक्टिविटीज करता है उसको 2 कैटेगरीज में हम लोगों ने डिवाइड किया था। सबसे पहली कैटेगरी हम लोगों ने बनाई थी जी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। उसमें हमने कौन सी एक्टिविटीज को रखा, हमने बोला जी ऑल द एक्टिविटीज विच आर डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड दूसरी एक्टिविटीज जो हमारी थी वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर डन आउट ऑफ लव सिंपैथी और पैट्रियटिज्म। ये सभी एक्टिविटीज हमने क्या बोला जी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्यों होती है सर, क्योंकि इनके अंदर आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, ओके। हम दो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पड़ा, 6 पॉइंट्स हम लोगों के पास थे जिनके बेसिस पे हमने डिफरेंशिएट किया इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ठीक है जी। अगली जो हमारी क्लास थी, फिर हमने बोला इकोनॉमिक एक्टिविटीज के भी 3 टाइप्स होते हैं। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तीनों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में काफी सारी बातें पढ़ी। अब मैंने आपको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस कल करवाया था, जिसमें हमने 8 या 9 पॉइंट हमारे पास थे जिनके बेसिस पे हमने दोनों को डिफरेंशिएट किया। अब आपके जो आगे के लेक्चर्स रहेंगे, या मैं आज के और आपका जो अगला लेक्चर है उसकी बात करूं, तो अभी हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में और डिटेल्ड एक डिस्कशन करेंगे और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि क्या होता है बेटा, देखो आपको मैंने कल बताया 5 या 6 नंबर में अगर आपका डिफरेंस आता है तो आपके पास काफी सारे पॉइंट्स है लिखने के लिए। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज बिजनेस 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का, तो आप क्या बातें लिखेंगे। तो हम बिजनेस के बारे में तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो आपका मैक्सिमम 2 या 3 मार्क्स में कवर हो जाता है। अभी हम क्या करेंगे जी, बिजनेस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे जी, व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या है और उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आज की क्लास में हमारा काम रहने वाला है, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग फिर आपके प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं आपका लेक्चर नंबर 3 व्हाट इज बिजनेस, ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे लेक्चर का जो नाम है जो हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज बिजनेस, उसी का आंसर आपको पहली स्लाइड पर यहाँ पर मिल जाएगा। बिजनेस क्या है, अभी तक आप लोगों को मालूम है जी बिजनेस क्या है। बिजनेस में हम लोग या तो प्रोडक्शन करते हैं या गुड्स को हम परचेज करते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स करते हैं। इसके अलावा क्या इंक्लूड होता है, सर्विसेज, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। गुड्स में क्या होती है जी, आपकी सारी टेंजिबल आइटम्स जिसको आप क्वांटिटी में मेजर करके सेल कर सकते हो, जिन गुड्स को आप देख सकते हो वो आपके गुड्स के डेफिनेशन में आते हैं। एंड सर्विसेज क्या है जी, सर्विसेज आपकी क्या रहेंगी, आज हम इस आपके जो बिजनेस की डेफिनेशन है, जो मीनिंग है, उसमें अभी हम अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अरे वाह, नई बात, क्या ये नई बात है, नहीं, हम लोग शुरू से यही डिस्कशन करते आ रहे हैं कि जी इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 कैटेगरीज में हम लोगों ने डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला बिजनेस है। तो अब आपके माइंड में ये बात अच्छे से सेट हो जानी चाहिए कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। आगे क्या लिखता है जी, इट इन्वॉल्व्स द परचेज प्रोडक्शन, या तो आप सामान खरीद रहे हो या खुद बना रहे हो, एंड और या तो आप उनको सेल कर दोगे, यानी कि आपने गुड्स और सर्विसेज है जो वो आपकी सेल कर दी या उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, ठीक है जी।
विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। अब अगर हम इसको ब्रीफ में बोले तो बिजनेस क्या है जी? बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आप गुड्स और सर्विसेज को सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। गुड्स का आपने या तो परचेज किया है या प्रोडक्शन की है, और ऐसा करके आप क्या चाहते हो जी? प्रॉफिट कमाना। अब बात आती है कि सर प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? सिंपल सी बात है, जो भी सामान आप बना रहे हो या खरीद के बेच रहे हो, उस सामान को इस सोसाइटी में कोई ना कोई खरीदने वाला है, तभी आपने उसकी प्रोडक्शन की है। और अगर आपने जिसको उस सामान की जरूरत है उसके पास वो सामान पहुंचा दिया, तो वो बदले में आपको पैसे देगा, ही विल पे यू, ताकि आपको क्या हो जाए जी, आपने जो सामान बनाया है आपकी जो कॉस्ट आई है वो तो रिकवर हो, साथ के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपको मिले। ठीक है जी, आगे देखते हैं। बिजनेस इज वाइड टर्म। बिजनेस एक वाइड टर्म है, क्यों? बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम आइदर बाय प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये बात तो हमें समझ में आ गई, हमने पहले भी पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला, ये वाइट टर्म क्यों है? क्योंकि इसमें आपको जो प्रोडक्शन या परचेज करके गुड्स बेच रहे हो वो तो इंक्लूड है ही, साथ के साथ सर्विसेज भी इंक्लूड है इसमें। अब सर्विसेज का क्या मतलब है, देखते हैं अगली लाइन में। हेयर सर्विसेज मीन्स दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द कैरिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड टेकिंग देम टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। जहां पे सामान बना वहां से जिसको उस सामान की जरूरत है वहां तक पहुंचाने में जितने भी आपके काम होते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, वो सर्विसेज की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगी। फॉर एग्जाम्पल, दे इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, स्टोरेज, बैंकिंग। पांच पॉइंट्स आपको यहाँ दिए गए हैं, पांच आपकी एक्टिविटीज हैं जो आपकी सर्विसेज की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगी। ठीक है जी, कौन कौन सी बातें यहाँ पे बोली हैं जी? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, स्टोरेज और बैंकिंग। ये पांच पॉइंट आपके आगे की जितने भी हमारे टॉपिक्स रहेंगे वहां पे बहुत काम आने वाले हैं। एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन किस काम आती है जी? ट्रांसपोर्ट का सबसे मेन काम यही है कि जहाँ सामान बना और जिसको उसकी जरूरत है उस सामान को पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट काफी काम आता है। आपने कभी अगर ऑनलाइन शॉपिंग की है तो आप ट्रैक करते हो कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मोबाइल मंगवाया तो वो जो है आपका बेंगलोर या महाराष्ट्र से चलता है, चेन्नई से चलता है, उसके बाद आपके पास पहुंचता है। जो बच्चा या जो भी बच्चा गुड़गांव में ये क्लास देख रहा है, आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट आता है वो कहाँ से आता है जी? जहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ है वहां से चलकर आपके पास आने के दौरान जितने भी आपकी सर्विसेज यूज हुई है वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या रोल है जी? आपको कैसे पता चलेगा जो कंज्यूमर है उसको क्या पता उसका सामान कहाँ तक पहुंचा है? तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है या कोरियर पार्टनर्स के थ्रू आपकी कम्युनिकेशन है, पोस्टल सर्विसेज है, या आपको ऑनलाइन कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ये सारी आपकी कम्युनिकेशन में आएंगी। इंश्योरेंस क्या है जी? मैंने आपको पहले भी बताया था, इंश्योरेंस किस लिए करवाते हैं हम गुड्स का? ताकि कल को कोई मिस हैपनिंग या लॉस हो जाता है तो वो आप रिकवर कर सको इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, इसलिए आप अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाते हैं, ये भी आपकी एक सर्विस है। स्टोरेज। स्टोरेज किस काम आती है जी? जनरली क्या होता है, काफी सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, यानी कि जो जल्दी ही खराब हो जाएंगे। या फिर क्या बात होती है, देखो बेटा, अगर आपको मालूम है जो वीट और राइस होती है ये पूरी साल नहीं आते हैं, ये जब इनकी क्रॉप्स पक के तैयार हो जाती है तो वहां पे किसान फार्मर्स है जो हमारे, वो क्या करते हैं उस क्रॉप को कट कर लेते हैं। देन रोल आता है स्टोरेज का, वेयर हाउसेस का, क्योंकि इन गुड्स की सप्लाई तो पूरे साल होनी है। जो कंज्यूम करेंगे इन गुड्स को, कंज्यूमर्स हैं, उनको जरूरत पूरे साल है, लेकिन प्रोडक्शन क्या होता है जी, एक या दो बार होता है, तो उनको क्या करते हैं, स्टोरेज का यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है, ताकि उस सामान को स्टोर करके रखा जा सके। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग। बैंकिंग क्या रोल है जी? जितने भी हमारी पेमेंट्स हैं, जो भी लेन देन है फाइनेंस का, सारा वो बैंक्स के थ्रू हम मेंटेन करते हैं, क्योंकि सारा जितना भी बड़ी कंपनीज हैं वो सारा पैसा तो कैश में नहीं रख सकती, और उसके अलावा अगर ट्रांसफर करना है तो भी आपको बैंक अकाउंट की जरूरत होती है। तो आप समझ पा रहे हो सर्विसेज क्या क्या हुई, ये सर्विसेज होंगे जी। ठीक,
आगे देखते हैं बिजनेस के बारे में एक बात और बोलिए, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपकी एक शॉर्ट में समरी हो गई जो आप एक नंबर में लिख सकते हैं। अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपसे व्हाट इज बिजनेस और करेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है, तो आप या 2 या 3 लाइन में इस मैटर को, सारे कंटेंट को आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपसे, अगर 2 या 3 मार्क्स में सिर्फ पूछा गया व्हाट इज बिजनेस, तब आपको इतनी बात लिख के आनी है ताकि कहीं भी चांस ना बचे आपके मार्क्स कट होने का। अगर आपसे 1 नंबर में पूछा गया व्हाट इज बिजनेस, तो आप उसको या तो ये वाला पैरा लिख के या इतनी बात लिख के आप अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। हमने बार बार एक ही बात पढ़ी, बिजनेस क्या है। सबसे पहली बात आप जरूर लिख कर आएंगे, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन और परचेज ऑफ सेल एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है जी। अब हमें बिजनेस के बारे में पता है, आगे देखते हैं हम। अब हमारे पास कुछ डेफिनेशन है जो बकायदा ऑथर्स ने दी है। इस डेफिनेशन को अगर, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, कभी भी आप ऐसा ना करें, आपको डेफिनेशन याद नहीं है, आपने मर्जी से कुछ लिखा और आगे आप इनका नाम लिख के आ गए, वो आपने गलत किया है। रीजन बीइंग क्या है, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो प्रॉपर ये डेफिनेशन है। ठीक है जी, जो बात इन्होंने बोली अगर आपने वही बात लिखी है तभी आप इनका नाम लिख के आए। ठीक है, एंड कोशिश करें आपकी बुक्स में 2 या 3 डेफिनेशन है, आपको एक डेफिनेशन तो अच्छे से याद हो। मैंने यहाँ पे आपके 2 डेफिनेशन दी है, बात वही बोलेंगे लेकिन इनके बोलने का तरीका अलग है। देखते हैं क्या बोला है जी बीओ विलर ने। इन्होंने बोला, बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। इसका क्या मतलब है जी, इन्होंने कहा बिजनेस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है एक तरीके से, जिसमें क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है कंज्यूमर्स को, जिसके अंडर आपका मोटिव क्या होता है, प्राइवेट गेन कमाना, यानी कि पर्सनल मुनाफा कमाना। अगर एक मैं बिजनेस करूंगा तो मैं एक इंस्टीट्यूशन को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं जिसके अंदर आपके जितने भी गुड्स और सर्विसेज है वो मैं कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करूंगा ताकि मैं कुछ मुनाफा कमा सकूं। ठीक है जी, ये बात क्लियर है, इन्होंने डेफिनेशन में यही बात बोली है, लेकिन आपको ये वर्ड टू वर्ड याद करनी होगी तभी आप इनके नाम के साथ ये डेफिनेशन लिख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बिजनेस में बी डिफाइंड एज ए ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इन्होंने भी बात वही बोली लेकिन इन्होंने क्या लिखा, बिजनेस को आप एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी बोल सकते हैं जी जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन होता है ताकि आप वेल्थ जो है, आप मुनाफा कमा के अपनी जायदाद और आप प्रॉपर्टी जमा कर सको, किसके थ्रू, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बात वही है, मतलब वही है, लेकिन इन्होंने लिखा इसको इस तरीके से है। ठीक है जी, ये किसकी डेफिनेशन है, लुईस एच हेने की। आपको दोनों में से एक डेफिनेशन याद करके आप रखेंगे तो आपके मार्क्स गेन करने का और बढ़िया तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी, ये 2 डेफिनेशन मैंने आपको बताई, तो बिजनेस के बारे में हमने काफी अच्छे से डिस्कशन कर ली है। ओके, अब हम क्या करेंगे जी, करेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। बिजनेस की विशेषताएं क्या है, व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। आपका क्वेश्चन आएगा डिफाइन बिजनेस एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। अगर आपका ये क्वेश्चन आया तो डिफाइन बिजनेस हमने कर लिया है, अभी हम क्या करेंगे जी, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अरे नई बात है, बिल्कुल नहीं है जी, पिछले 2-3 लेक्चर से हम यही बात बार बार पढ़ते आ रहे हैं। अभी भी हमने जब शुरुआत करी क्लास की तो हमने यही बोला, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, आप खुद सोचिए अपने दिमाग में, फटाफट से सोचिए बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, फिर मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपका मोटिव है जी प्रॉफिट कमाना, गेन करना, अर्निंग करना, अपने लिवलीहुड को अर्न करना। आइए देखते हैं, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। बिजनेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हैं किन कारणों से, इन कारणों से जी। अगर क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन वाई बिजनेस इज कंसिडर्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दीज आर द रीजंस बाई विच एन बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन कौन सी रीजंस है जी, इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लिवलीहुड।
बिल्कुल ठीक, देर इज नो प्लेस फॉर लव, अफेक्शन, सिंपैथी और पेट्रियोटिज्म। आप अपने दोस्तों में भी कई बार मजाक मस्ती में बोलते हैं जी, ऐसा बोलते हैं ना, देखो जी, पैसा अपनी जगह, भाईचारा अपनी जगह। वही बात है, यहाँ पे आपके लव, अफेक्शन, सिंपैथी और पेट्रियोटिज्म की कोई भी जगह नहीं है। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लिवलीहुड। ठीक है, पहली बात क्लियर। दूसरी बात, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है जी? इट इन्वॉल्व सेल, एक्सचेंज, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर म्यूचुअल प्रॉफिट थ्रू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स। एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस पर्सन है, जो वो किस लिए करता है जी ये काम? ताकि उसका जो पर्सनल प्रॉफिट है वो हो सके। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें सेल और एक्सचेंज या परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर, पहली करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट को आप एक ही मतलब समझ सकते हैं। प्रोक्योरमेंट का जनरली मतलब होता है कि आपको कुछ सामान लाना, उठा के लाना, वसूली करना, आप बोल सकते हैं इसको। भाई, आपने जो सामान है वो तो या खरीदा है, या आप किसी से लेके आए हैं उसको पेमेंट करके। इसमें क्या है जी? बिजनेस एंटरप्राइज आइदर मैन्युफैक्चर्स गुड्स, या तो बिजनेस क्या करता है जी, गुड्स को खुद बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर, पेन, टेक्स्ट बुक, मशीनरी, फर्नीचर, या तो ये सामान वो खुद बनाएंगे, और एक्वायर्स देम फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, या तो आपने खुद बना लिया, या आपने क्या किया जी, किसी और के थ्रू वो आप सामान खरीद कर ले आए, और अब क्या करोगे, उसको बेचोगे। ठीक है जी, गुड्स का मतलब क्लियर है आपको? गुड्स क्या है? या तो आपने खुद ने बनाए, या आप खरीद के ले आए। सर्विसेज क्या है? अभी हमने पढ़ा था जी, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एक और सर्विसेज थी, दैट इज स्टोरेज। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये बातें याद रखनी है। करेक्टरिस्टिक्स में क्या है जी? पहली बात इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दूसरी बात यहाँ पे प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बिल्कुल इजी आपको रखना है, बिल्कुल आसान आसान बातें यहाँ पे बोली गई है। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया बिजनेस क्या होता है, तो ये सारी बातें मैंने आपको एक ब्रीफ समरी में बोल दी। अभी हम क्या कर रहे हैं, उनको एक एक पॉइंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जब आप करेक्टरिस्टिक्स याद करेंगे, आपको पॉइंट्स याद करने हैं सबसे पहले। अगर आपने ये पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपने आधे से ज्यादा मार्क्स तो वहीं स्कोर कर लिए हैं। रीजन बिंग क्या है, एक टीचर क्या देखता है, बच्चे को प्रॉपर मालूम है। देखो अब क्या है बेटा, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपने लिख दिया, ठीक है, अब इसके अंदर का कंटेंट तो आप लिख सकते हो इजीली। कई बच्चे क्या करते हैं, इस कंटेंट को याद करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अब कंटेंट याद हो जाता है उनको अच्छे से, जब लिखने की बारी आती है तो करेक्टरिस्टिक जो ऊपर का जो मेन पॉइंट है वो उनको याद नहीं होता है, फिर वो अपनी मर्जी से कुछ बना के लिखते हैं इसी कंटेंट में से निकाल के, और जो जनरली क्या होता है, कई बार गलत भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जो कंटेंट याद किया, उसका जो मेन निष्कर्ष है, जो ब्रीफ है, वो आपने अगर ऊपर पॉइंट में नहीं लिखा तो वो गलत कहलाता है। ठीक है, आप इतने कंटेंट पे ध्यान लगाएं, इससे अच्छा सबसे पहले तो आप अपने ये पॉइंट्स याद कर लें। क्या था जी पहला पॉइंट? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा क्या? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। ये वर्ड याद नहीं होता तो आप स्किप कर सकते हैं, वहां पे आप लिख सकते हैं प्रोडक्शन या फिर परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके जी, यहाँ पे देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब है। फॉर बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज एसेंशियल। एक बिजनेस करने के लिए आपको गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज, एक्सचेंज का क्या मतलब है जी, आप किसी को सामान दे रहे हैं, बदले में वो आपको पैसे दे रहा है, एक बिजनेस के लिए ये कंपलसरी है। ठीक है जी, इट मीन्स दैट इफ एन इंडिविजुअल परचेज अ थिंग और अ सर्विस फॉर हिज पर्सनल यूज, दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। क्या क्या लिखा? देखो इस पॉइंट को अच्छे से देखो, पर्सनल यूज, इसका क्या मतलब है जी, मैंने ये पेन खरीदा, मेरे को यूज करना है इस पेन को, मैं अपनी नोटबुक में कुछ लिखूंगा, तो ये क्या है, मैंने बेचने के ऑब्जेक्टिव से नहीं खरीदा, तो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है जी, आपने कोई शॉपिंग की, आप कपड़े खरीद कर लाए, वो आप पहनेंगे, वो आपकी बिजनेस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने कुछ परचेज किया, किस लिए, उसको आगे बेचने के लिए फर्दर, देन वो आपका बिजनेस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ शॉपकीपर परचेजेस सम मटेरियल फॉर हिज डोमेस्टिक यूज, दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस, बट इफ ही परचेजेस
purchases the same material for selling it through his shop, then it will be business. एग्जाम्पल में क्या बोला जी, आप मान के चले किराने की शॉप है, वो मार्केट से सामान खरीद कर लाए हैं जिसमें उनकी चाय, चीनी, साबुन, जितने भी यूज डोमेस्टिक यूज की चीजें हैं वो अपनी शॉप के लिए भी लाए और उसमें से कुछ सामान उन्होंने अपने घर पे यूज करने के लिए भी खरीदा है. तो जहाँ पे ये सामान अपने पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए परचेज किया है वो आपका क्या है जी, बिजनेस नहीं है. जबकि जो सामान आपने अपनी शॉप में रखा है बेचने के लिए वो आपका बिजनेस है. ये पॉइंट क्लियर है जी, बिल्कुल अच्छे से आप इसको रीड कीजिएगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि आपने परचेज या प्रोडक्शन किया गुड्स का. दूसरे पॉइंट में हमने क्या पढ़ा जी, एक्सचेंज किया है आपने. जो परचेज या प्रोडक्शन की वो पर्सनल यूज के लिए नहीं है, वो आपने अपने बिजनेस के लिए उसको बेचने के लिए किया. एंड थर्ड पॉइंट क्या है, हाईलाइट कर लीजिए, रेगुलर बेसिस, आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे. मैंने क्या किया जी, एक केक खरीदा अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, पर्सनल यूज नहीं है, बिजनेस. मैंने वही केक खरीदा अपने दोस्त के बर्थडे पे उसको गिफ्ट करने के लिए, वो भी बिजनेस नहीं है. लेकिन मैंने बेकरी ओपन कर ली, अब मैं केक या तो बनाता हूँ या खरीद के लाता हूँ और उनको सेल करता हूँ रेगुलर बेसिस पे. डेली का मैंने अपना ये काम बना लिया, अब ये बिजनेस आपका कहलाएगा. ठीक है जी. अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज दैट इट मस्ट सेल और एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस. लगातार आपको करना है ये काम. वन टाइम परचेज एंड सेल डजंट मीन इट इज अ बिजनेस. ओके, मैंने एक घर खरीदा खुद के रहने के लिए, बिजनेस नहीं है. मैंने घर खरीदा, थोड़े टाइम में रहा, फिर उसको बेच के मैंने दूसरा घर ले लिया, अब भी बिजनेस नहीं है. अब मैं क्या करता हूँ, घर खरीदता हूँ, थोड़े टाइम रुकता हूँ, बेच देता हूँ, एक दूसरा घर खरीदता हूँ, उसमें मैं नहीं रह रहा, उसको मैंने थोड़ा सा क्या किया जी, मॉडिफाई किया, कंस्ट्रक्शन करवाई, उसकी रिनोवेशन करवाई, फिर बेच दिया. इसको मैं डेली बेसिस पे करने लग गया, अब ये मेरा बिजनेस कहलाएगा. ठीक है. बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज वंस और ट्वाइस. देखा, यही मैंने आपको अभी बोला था, एक या दो बार आप कोई काम करते वो आपका बिजनेस नहीं कहलाता. आपको रेगुलर बेसिस पे करना है. आप एक व्हीकल लेके आए अपने घर पे, आपने कोई बाइक या स्कूटी परचेज की, थोड़े टाइम उसको चलाया, फिर आपने बेच दिया, बिजनेस नहीं है. लेकिन आप रेगुलरली क्या करते हैं, व्हीकल खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये आपका बिजनेस कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया जी, अगर एक पर्सन अपना घर बेचता है नया घर खरीदने के लिए, ही इज नॉट डूइंग बिजनेस. लेकिन अगर वही पर्सन घर खरीदता है और बेचता है रेगुलर बेसिस पे, यानी कि वो प्रॉपर्टी डीलर है कमीशन कमाने के लिए, तो क्या है जी, वो बिजनेस है. क्लियर ये पॉइंट भी, बिल्कुल अच्छे से समझ के चलेंगे जी. हमने सबसे पहले बोला बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है. दूसरे पॉइंट में हमने बोला गुड्स का या तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट में हमने बोला उसका एक्सचेंज कर रहे हैं, और उससे अगले पॉइंट में हमने बोला है जी रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं. इतनी बातें क्लियर. तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. इसमें क्या बोला जी, प्रॉफिट मोटिव. अब एक बात अच्छे से समझो बेटा, प्रॉफिट मोटिव का क्या मतलब है. आप जो ये काम कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, यहाँ पे आपका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना. जरूरी नहीं है जो भी चीज हम चाहें वो हमें जिंदगी में मिले. इसका क्या मतलब है जी, आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना होना चाहिए. हो सकता है बिजनेस में लॉस भी हो जाए, लेकिन आपकी जो सोच थी, जिस सोच के साथ आप काम कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, वो ये थी कि आप इस बिजनेस से कुछ ना कुछ कमा कर ही निकलेंगे. ठीक है, हो सकता है लॉस हो जाए, लेकिन आपका मोटिव क्या होना चाहिए, हमें प्रॉफिट अर्न करना है. इन ऑर्डर टू कंसिडर एनी परचेज सेल एज ए बिजनेस, कोई भी खरीदारी या लेन देन अगर आपको उसका नाम बिजनेस देना है, तो क्या इट इज एसेंशियल दैट फॉर द पर्पस ऑफ द पर्सन कंसर्न इज टू अर्न प्रॉफिट. यानी कि उस पर्सन ने वो एक्टिविटी की, वहां पे उसका मोटिव क्या होना चाहिए जी, अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाना है, तभी वो बिजनेस कहलाएगा. आगे देखिए, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा, बट समटाइम्स एफर्ट्स टू अर्न प्रॉफिट कैन रिजल्ट इन सम लॉस. ओ हो, कई बार हो सकता है आपने प्रॉफिट कमाने की सोची, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई या कोई ऐसा वजह हो गई जिसकी वजह से आपको लॉस लग गया.
कोई बात नहीं, आपको क्या है, इट कैन नॉट बी सेड दैट इन केस लॉस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड बिजनेस, अगर लॉस हो गया तो हम ये नहीं बोलेंगे ये बिजनेस नहीं था। हर सिक्के के दो पहलू हैं, बिजनेस के भी दो पहलू हैं जी, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है आपको दूसरी तरफ। अगर प्रॉफिट हुआ तो बिजनेस, लॉस हुआ तो बिजनेस नहीं, ऐसा नहीं होगा जी। प्रॉफिट है या लॉस है, बिजनेस ही कहलाएगा। आपका मोटिव बस प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, ठीक है जी। द एसेंशियल कंडीशन इज दैट द कंडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी प्रोपेल्ड बाय द डिजायर टू अर्न प्रॉफिट। फिर से वही बात आ गई, आपकी सोच जो थी वो सही दिशा में थी, बस आपने पैसे कमाने की सोचा, प्रॉफिट अर्न करने की सोचा, उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो उस ट्रांजेक्शन का, ठीक है जी, उससे मैटर या वो फर्क नहीं पड़ता, वो चीज मैटर नहीं करती। अल्टीमेट आउटपुट प्रॉफिट था या लॉस, बस आपका जो मोटिव, जो आपकी डिजायर थी वो थी जी प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में रिस्क हमेशा रहता है, रिस्क किस चीज का, प्रॉफिट का भी और लॉस का भी, ठीक है। पढ़ते हैं, बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड ए बेड ऑफ रोजेज, ठीक है जी। बिजनेस कोई गुलाबों का बेड नहीं है, हर राह में कांटे हैं। आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस चीज को इस एज में, कि आग का दरिया है तैर कर जाना है, तो वही बिजनेस है। यहाँ पे आपको सिर्फ फूल नहीं मिलेंगे, देर आर थोन्स एट एवरी स्टेप, हर राह पर कांटे बिछाए गए हैं, समझ पा रहे हो। तो बिजनेस में क्या है जी, एलिमेंट ऑफ रिस्क है, क्यों, देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज, हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है लॉसेज की, जरूरी नहीं हर एक ट्रांजेक्शन से आपको प्रॉफिट मिले, रिस्क है यहाँ पर। पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, मोटिव, प्रॉफिट मोटिव है, और अगले पॉइंट में हम क्या पढ़ रहे हैं जी, एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क भी है यहाँ पर, जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही मिले। इट इज नॉट सर्टेन दैट अ बिजनेसमैन विल ऑलवेज अर्न एडुकेट प्रॉफिट, जरूरी नहीं है हर बार एडुकेट प्रॉफिट। का क्या मतलब होता है जी, जितनी उसकी कॉस्ट आई प्लस कुछ ऐसा पैसा जिससे वो अपना बिजनेस चलाता रहे, उसको हम एडुकेट प्रॉफिट बोलते हैं। कि आपने कॉस्ट रिकवर कर ली, ठीक है, मान लो मैंने ये 10 रुपए का पेन खरीदा, 10 तो मेरे रिकवर हो गए, मैं क्या चाहूंगा कम से कम 2 रुपए और मुनाफा हो, ताकि मेरा जो बिजनेस है मैं उसके खर्चे और एक्स्ट्रा निकाल पाऊं। एडुकेट प्रॉफिट का क्या मतलब है, जितनी जरूरत उतना प्रॉफिट, ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब है जी, इट इज नॉट सर्टेन दैट अ बिजनेस विल ऑलवेज अर्न एडुकेट प्रॉफिट, ऐसा नहीं है बिजनेस हमेशा एडुकेट प्रॉफिट कमाएगा। एज मार्केट कंडीशंस में चेंज, अगर मार्केट की कंडीशन बदल जाए, कस्टमर टेस्ट में चेंज या कस्टमर का टेस्ट बदल जाए, देर में भी स्ट्राइक इन बिजनेस या बिजनेस में फैक्ट्री में स्ट्राइक हो जाए, इन सब के कारण हो सकता है जी बिजनेस लॉस में चला जाए, यानी कि हर ट्रांजेक्शन में एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है। अभी मैंने थोड़े टाइम न्यूज़पेपर में एक बात पढ़ी थी, मैं जब इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा था मैंने एक न्यूज़ देखी, क्या कि बॉम्बे की एक फैक्ट्री है जी, जिसका इन टन्स 20 या 22 टन कुछ था, उसकी आइसक्रीम लॉकडाउन के कारण खराब हो गई। क्यों, क्योंकि लॉकडाउन में आपकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बंद हो गई थी और मार्च या अप्रैल का टाइम था, उनको वो सारी आइसक्रीम क्या करनी पड़ी जी, डिस्पोज ऑफ करनी पड़ी। देखा, किसी भी कारण से हो सकता है आपका लॉस हो जाए। आपकी फैक्ट्री में मान लीजिए बड़ा ऑर्डर आ गया एक किसी कंपनी का, और क्या हुआ, आपकी फैक्ट्री में जब ये ऑर्डर आया तब आपके वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए और आपकी प्रोडक्शन नहीं हो पाई, इस कारण भी जी एलिमेंट ऑफ रिस्क है कि आप लॉस हो जाए, ठीक है। कस्टमर्स टेस्ट चेंज, इसका क्या मतलब है जी, कस्टमर्स है जो हमारे, उनका रुझान एकदम से किसी दूसरी चीज की तरफ हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जनरली आपने देखा होगा चाय के कस्टमर्स कॉफी पे शिफ्ट हो जाते हैं, या फैशन चेंज हो जाता है, कुछ कपड़े ट्रेंड में थे, थोड़े टाइम बाद वो ट्रेंड में नहीं रहे, इस वजह से भी हो सकता है। आपने प्रोडक्शन काफी ज्यादा कर रखी थी गुड्स की, अब वो आपके सेल नहीं हो पा रहे हैं, इस कारण भी आपका लॉस हो सकता है। आप मेरे को ये बात बताएं, इतनी बातें क्लियर हैं, 6 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए जी। सबसे पहला पॉइंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, गुड्स की प्रोडक्शन या परचेज करते हैं, तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, हमने एक पॉइंट ये पढ़ा आपका कि जी प्रॉफिट मोटिव है, एक्सचेंज कर रहे हो उनको, एलिमेंट ऑफ रिस्क है, और जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है वो रेगुलर बेसिस पे है। नेक्स्ट पॉइंट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, देखो आपको पेपर में 4 या 5 पॉइंट ही लिख के आने हैं, लेकिन अगर आपने 7 याद किए तो आप 4 या 5 पेपर में लिख पाओगे, अगर आपने 4 ही याद करके गए, एक भी भूल गए, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको कल की क्लास में बोला था मैक्सिमम कंटेंट मैं कवर करके चल रहा हूँ।
कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ये एक करेक्टरिस्टिक क्यों है, क्योंकि जो बिजनेस है उसका एम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, आपको कंज्यूमर को अगर आप सेटिस्फाई कर दोगे, कंज्यूमर को जैसी चीज चाहिए उसको आपने क्या किया, क्वालिटी गुड्स इन प्रॉपर क्वांटिटी प्रोवाइड कर दिए एक अफोर्डेबल प्राइस पर, तो आपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर दिया। इसका क्या मतलब है जी, जितना आपने कंज्यूमर से पैसा लिया उस पैसे की वर्थ उसको दे दी, उतने के गुड्स और वो भी बढ़िया क्वालिटी के आपने दे दिए, कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं हमेशा सोचेंगे बस प्रॉफिट 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 कमाना है तो आप नहीं चलेंगे, आप प्रॉफिट तो अपने आप बढ़ता जाएगा अगर आपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर दिया, तो वो आपके गुड्स बार 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 परचेज करेगा। ठीक है जी। द एम ऑफ बिजनेस शुड बी अर्निंग प्रॉफिट बट एट द सेम टाइम दैट द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। माना कि बिजनेस का मोटिव है पैसे कमाना, लेकिन साथ ही साथ उसको क्या देखना है कि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाए। ओके जी। इट इज यूजलेस टू थिंक ऑफ प्रॉफिट विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। आप अगर कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे तो भूल जाओ आप मुनाफा कमाओगे अपने बिजनेस में। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा ही नहीं सामान खरीदने। ठीक है जी। इवन द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट। अगर आपका कस्टमर बेस बढ़िया है तभी आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाओगे। ठीक है। आपने एक सिटी से शुरुआत की, आप स्टेट में बिजनेस को एक्सपेंड करोगे, स्टेट से आप पूरे इंडिया में, इंडिया से इंटरनेशनल लेवल पे आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई करते चल रहे हो। ठीक है जी। हेंस अ बिजनेसमैन शुड मेक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर टू गेट सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए आप कंज्यूमर का जो टेस्ट है उस अकॉर्डिंग के गुड्स बना दीजिए, फिर उनको सेल करीजिए, दबा दब आपकी सेल होगी, बिल्कुल बढ़िया लेवल पे आपका काम चलेगा। ठीक है। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? मेरे को फटाफट से आप एक रिमाइंडर कीजिए कि जितनी बातें आप रिमाइंड की, जितनी बातें हमने पढ़ी आपको अच्छे से समझ में आ गई? बिल्कुल बढ़िया। ठीक है। हमने बिजनेस पढ़ा, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। ओके। अब हम एक केस स्टडी देखते हैं। क्या हमने अब तक जितना पढ़ा उसके बेसिस पे हम इसको आंसर कर पा रहे हैं? आइए देखते हैं। रामा बोट है रेडीमेड ड्रेस फॉर रुपीज 5000। रामा ने एक ड्रेस खरीदी जी 5000 रुपए की। ठीक है। हर फ्रेंड लाइक द डिजाइन ऑफ ड्रेस वेरी मच। एक लड़की ड्रेस लेके आई, दूसरी लड़की को उस ड्रेस का डिजाइन पसंद आ गया। सो रामा सोल्ड द सेम ड्रेस टू हर फ्रेंड फॉर रुपीज 5500। 5000 की ड्रेस उसने अपने दोस्त को 5500 में बेच दी। चाहे कैसे ही बेची हो, चाहे उसने बोला हो मैं 6 की लाई थी, कोई बात नहीं बहन तू 500 कम दे दे, ये ले 500, ये ड्रेस 6000 वाली 5500 में ले ले, इट डजेंट मैटर। उसने कितने कैसे ही उसको सेल कर दिया। ठीक है जी। एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 500। आप ये बताओ 5000 की चीज खरीद के 5500 में बेच दी, क्या 500 रुपए का मुनाफा कमा लिया? बिल्कुल कमा लिया जी। ओके। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज रामा ओपन्ड अ शॉप ऑफ सेलिंग रेडीमेड ड्रेसेस फॉर गर्ल्स। पढ़ाई पूरी करके रामा ने क्या किया जी, अब एक दुकान खोल ली जिसपे वो अब रेडीमेड ड्रेसेस बेचेंगे। ओके। दोनों बातें समझ में आ गई। एक जब वो पढ़ाई करते थे एक ड्रेस तब उन्होंने बेच दी, और क्या किया जी जब पढ़ाई कंप्लीट हो गई फिर उन्होंने ड्रेसेस की शॉप ही ओपन कर ली। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया जी, कैन ट्रांजेक्शन बिटवीन रामा एंड हर फ्रेंड इज टर्म्ड एज बिजनेस। क्या रामा और उसकी दोस्त के बीच में जो सेलिंग हुई, परचेज और सेल हुई गुड्स की, वो बिजनेस है या नहीं? आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, क्या गुड्स थे? बिल्कुल थे। क्या परचेज थी? बिल्कुल थी। क्या सेल थी? बिल्कुल थी। प्रॉफिट मोटिव था? था। प्रॉफिट हुआ? हुआ। क्या रेगुलर बेसिस पे थी? नहीं थी। ये आपका पॉइंट यहाँ पे दिक्कत कर गया जी, वरना ये बिजनेस बन जाता। क्या रेगुलर बेसिस पे थी? नहीं। वंस या ट्वाइस, याद आ रहा है, एक बार आपने कोई चीज खरीद बेच दी, वही दिक्कत यहाँ कर गया, वही पॉइंट, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है, इसी कारण से नॉट अ बिजनेस, ये आपका एक बिजनेस नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं, क्या ये बिजनेस है? कैन द सेल ऑफ ड्रेसेस ऑन हर शॉप बी कॉल्ड एज ए बिजनेस। यहाँ पे फिर से देखते हैं जी, ड्रेसेस खरीदती है? खरीदती है। बेचती है? बिल्कुल बेचती है। प्रॉफिट मोटिव है? रेगुलर बेसिस पे है? बिल्कुल है जी, रेगुलर बेसिस पे। उसने काफी सारी करेक्टरिस्टिक्स आपकी जो है, सारी बिजनेस की जो करेक्टरिस्टिक्स है, बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट कर दी। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स है, प्रॉफिट मोटिव है, रेगुलर बेसिस पे है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन तो वो कर रहे होंगे तभी उनकी शॉप चल रही है। ओके जी। तो ये आपका बिजनेस है। यस इट इज अ बिजनेस।
ओके जी, ये आपकी कुछ बातें थी बिजनेस के बारे में। अभी भी काफी सारे चीजें पेंडिंग है, जैसे बिजनेस में रिस्क होता है, प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में, वो हम बातें आगे के क्लासेस में आपके डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी तीन कैटेगरीज में डिवाइड होंगे जी, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस हमने आज क्लास में पढ़ लिया, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम आगे के क्लासेज में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतनी ही बातें डिस्कस करेंगे। फटाफट से एक रिकैप लेते हैं, हमने क्या किया है। हमने सबसे पहले व्हाट इज बिजनेस पढ़ा, उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, जिसमें हमने सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स आपके क्या पढ़ी, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी आपकी क्या थी जी, प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो सामान आपने खरीद लिया उनको बेच भी रहे हो, उसके बाद रेगुलर बेसिस पे आप कर रहे हो, प्रॉफिट मोटिव के साथ कर रहे हो, एलिमेंट ऑफ रिस्क भी है, जी यहाँ पे, और लास्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। आज के क्लास में सिर्फ इतना ही हम डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, थैंक यू, एंड दैट्स इट फॉर द क्लास।